बीसीसीआई और लोढ़ा कमेटी के बीच पिछले डेढ़ साल से चल रही लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के बॉस अनुराग ठाकुर की अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी है। सचिव अजय शिर्के को भी पद से हटा दिया गया है। इसके साथ ही ठाकुर पर लोढ़ा कमेटी की सिफारिश नहीं मानने पर गलत जानकारी देने पर अवमानना का केस भी चलेगा। इससे पहले पिछले सुनवाई में ही कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और अपने तेवर भी साफ कर दिए थे। आपको बता दें कि पिछले सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को चेतावनी देते हुए कहा था कि झूठी गवाही के लिए बोर्ड अध्यक्ष को सजा क्यों नहीं दी जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि अगर उन्होंने बिना शर्त माफी नहीं मांगी तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। अनुराग पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट से झूठ बोला और सुधार प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि अनुराग ने इन आरोपों से हमेशा इनकार किया है। वहीं बीसीसीआई और लोढ़ा कमेटी की तनातनी के बारे में बात करें तो बीसीसीआई का कहना है कि कमेटी की ज्यादातर सिफारिशें मान ली गई हैं, लेकिन कुछ बातें व्यवहारिक नहीं है जिसको लेकर गतिरोध बना हुआ है। वहीं बोर्ड का कहना है कि उन्हें लोढ़ा कमेटी ने अपनी बात रखने का पूरा समय नहीं दिया, लेकिन अब बातों का समय बीत गया है। संभव है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत में क्रिकेट की दशा और दिशा में बड़ा बदलाव आएगा। वैसे इस पूरे मामले पर जस्टिस लोढ़ा ने कहा है कि बोर्ड को कोर्ट के फैसले को स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि यह क्रिकेट की जीत है, खेल प्रशासक आते जाते रहते हैं, लेकिन खेल सबसे बड़ा है। वहीं पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अनुराग ठाकुर को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से अनुराग ठाकुर की छुट्टी कर दी है और साफ कर दिया है कि कोर्ट से झूठ बोलने के आरोप पर ठाकुर पर केस चलेगा। देखते रहिए डीबी लाइव।